चलिए, जनपद औरैया का मामला सामने आ रहा है, जहां पर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, माफ कीजिएगा, एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जब अछलदा स्टेशन के पास से गुजर रही थी, देर रात की ये खबर है, तभी अचानक ट्रेन के ब्रेक शू जाम हो गए, जिससे स्लीपर कोच में धुआं उठने लगा। धुएं को देखकर यात्रियों में भगदड़ मच गई। आनन-फानन में रेलवे प्रशासन को सूचना दी गई और ट्रेन को रुकवाया गया। मौके पर पहुंचे विधुना सीओ और रेलवे कर्मचारियों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। करीब 2 घंटे की खड़े रहने के बाद ट्रेन को पटना के लिए रवाना किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ा हादसा ही हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसे का शिकार होने से संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस बच गई। एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से पटना जा रही थी, घसारा के आसपास इसके बताया जा रहा है ब्रेक बाइंडिंग होने से इसमें हीटिंग हुई और धुआं निकला, जिससे लोगों ने ये समझा कि इसमें आग लग गई है। कोई भी व्यक्ति इसमें हताहत नहीं हुआ है। तत्काल हमारा फोर्स आरपीएफ और पुलिस मौके पर वहां पे पहुंच गया था। उसके बाद सकुशल, चूंकि वहां अंधेरा था, इस गाड़ी को यहाँ पर सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर ले आया गया कि ताकि यहाँ पर उजाला भी है और इसको टेक्निकल एक्सपर्ट इसको चेक भी कर सकेंगे कि इसमें क्या खामी है, उसको सुधार करके आगे बढ़ाया जा सके। हमारे साथ अक्षय कुमार जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, सबसे बड़ा सवाल जो है वो रेल मंत्रालय और रेलवे जो है महकमे पर उठता है, क्योंकि ब्रेक शू जाम होना कोई साधारण बात नहीं है। हो सकता है ये ट्रेन, ये जो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है, हादसे का शिकार हो जाती और एक बड़ा हादसा में तब्दील हो सकता था, ये जो वाकया है। तो कहीं ना कहीं जो मेंटेनेंस है, जिस तरह से की जाती है रेलवे में, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से रेल मंत्रालय भले ही रेलवे सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन उसकी पोल खुलती नजर इस तरह आ रही है कि जब ये जो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है ये दिल्ली से पटना के लिए रवाना की गई, तो देर रात्रि जब ये औरैया के अछल्ला रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तो उसके ब्रेक शू जाम होने से अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते धुआं ने गुब्बार का रूप ले लिया, जिससे जो बोगी थी, बोगी में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई। आनन-फानन में जो ट्रेन ड्राइवर था उसको सूचना दी गई। इसके बाद ट्रेन को अछल्ला रेलवे स्टेशन पर रुकाया गया, जहां पर रेलवे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उस आग पर काबू पाया। फिलहाल इसमें कोई हताहत होने की बात सामने नहीं आई है। जी, लेकिन हताहत नहीं हुआ कोई, ये गनीमत कही जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं रखरखाव पर भी सवाल उठता है। क्या पहले से ब्रेक शूज चेक नहीं किए जा सकते थे, या ये इत्तेफाक की बात है कि ऐसा होता है अक्सर? जी बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं ऐसी लापरवाही तो मानी जाएगी। जब ट्रेन को चलाया जाता है तो वहां से सारी चीजें चेक करके उस ट्रेन को चलाया जाता है, गंतव्य के लिए भेजा जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो ब्रेक थे, ब्रेक इस तरह से जो जाम हो रहे थे अचानक, इससे एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। बताया जा रहा है, जिस तरह से ड्राइवर ने बताया कि अगर ये ब्रेक हमेशा वो चिपके रहते तो कहीं ना कहीं गाड़ी जो थी वो पटरी से भी उतर सकती थी। यानी कहीं ना कहीं बिल्कुल लापरवाही कही जाएगी रेलवे प्रशासन की। जी, तमाम जानकारी देने के लिए। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।